हेलो इसकी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इश्क शेफ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बोजार, जो अंडे की डिश है और जो खाने में बहुत लजीज होती है। बोजार बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने 4 अंडे लिए है, उसे हमने बॉइल करके उसका कवर निकाल लिया है। 1 चम्मच हमने इसमें बड़ी शप ली है, 1 बड़ी चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 हमने अखे प्याज लिया है, इसमें हमने थोड़ी बहुत सूखी लाल मिर्च ले ली है, आधा हम लोग ने सूखा खोबरा ले लिया है, इसमें हमने 6 इलायची ले ली है और हमने इसमें थोड़ी सी दालचीनी ले ली है। अभी हम सबसे पहला खोबरे को अच्छे से खींच लेंगे। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से खींच लेना है। आप देख सकते हो हमने खोबरे को इस तरीके से खींच लिया है और हमने प्याज को इस तरीके से एकदम बारीक चॉप कर लिया है। आप देख सकते हो आगे का प्रोसेस मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हमने एक बर्तन ले लिया, उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें हम लोग मसाले अच्छे से भून लेंगे। हम लोग इसमें दालचीनी ऐड कर लेंगे और इलायची ऐड कर लेंगे। इसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे और इसमें हम लोग खोबरा भी ऐड कर लेंगे। अभी और इसे एकदम अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम लोग इसे भून लेंगे। आप देख सकते हो अभी इसमें हम बरीशप भी ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे एकदम अच्छे से भून लेना है। इसे भूनते वक्त हमें स्लो फ्लेम पे रख के भूनना है। अगर हम इसे फास्ट फ्लेम पे करेंगे तो ये पूरी तरीके से जल जाएगा। ये भी अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। अभी हम फ्लेम ऑफ करके इसे बाहर निकाल देंगे। अभी हम जार में सबसे पहला मिर्ची को ट्रांसफर कर लेंगे, सूखी मिर्ची को। इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। इस तरीके से हमने सूखी मिर्ची को अच्छे से पीस लिया है। अभी जो हमने मसाला अच्छे से भुना था वो मसाले हम लोग इसमें अभी ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें भी ये मसाला ट्रांसफर कर लेंगे भुने हुआ और इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। आप देख सकते हो इसे भी हमने एकदम अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बारीक हुआ है। इसी तरीके से हमें इसे अच्छे से बारीक करना है। मैं भी आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अभी इसमें हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और उसे हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो इसमें लगेगा तो हम लोग और पानी ऐड कर लेंगे। अभी इसे हम लोग वापस से अच्छे से पीस लेंगे और इसका हम लोग पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए अभी पेस्ट पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो किस तरीके से है। अभी मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। चलिए अभी हम लोग एक बर्तन को गर्म कर लिया है, इसमें भी हम लोग तेल ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हो इसमें हमें अच्छा खासा तेल लेने का है। आप देख सकते हो अभी इसमें हम लोग प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमें फ्राई करना है, यानी कि अच्छे से ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हो इसमें भी हम लोग प्याज ऐड करेंगे। इस तरीके से इसे हम अच्छे से ऐड कर लेंगे प्याज और इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम लोग नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, यानी अपने स्वाद अनुसार, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें हम लोग आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और जो पेस्ट हम लोग ने पीसा था वो पेस्ट इसमें भी ऐड कर लेंगे। और इसे हम अभी एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो अभी इसमें हम आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हो इसमें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इसे अभी हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम आपसे डायरेक्ट ठंडा होने के बाद मिलेंगे और आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ फिर तभी मैं आपको। अभी ये मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अभी इसमें हम लोग कोथिंबीर ऐड कर लेंगे और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम लोग अंडे को बीच में से कट कर लेंगे, आधा आधा कट कर लेंगे हम लोग अंडे को। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें सारे अंडे को कट कर लेना है। अभी हम लोग अंडे के ऊपर अच्छे से मसाला लगा लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें सारे अंडे पे मसाला लगा लेना है। अभी हम आपको पूरा रेडी करके मिलते हैं।
आप ये देख सकते हो अंडे के ऊपर हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है। अंडे को लगाने के बाद जो मसाला बच चुका है उसे भी हम लोग अच्छे से नीचे फैला देंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से, आप देख सकते हो इसे हम लोगों ने अच्छे से फैला दिया है। अभी इसमें हम लोग अंडे रख देंगे, इसमें अंडे ऐड कर लेंगे। अभी इसे हम लोग धीमी आंच पर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं आपको डाय के रेडी होने के बाद आपसे मिलता हूँ। अभी इसके ऊपर हम लोग ऊपर से थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे, आप देख सकते हो, और इसे अभी हम धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इसके फैमिली, हमारा बोजार पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। आप इसे घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।